कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए आचार संहिता की बजाय मोदी प्रचार संहिता बनने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस चुनाव में मोदी सरकार ने बेशर्मी से नीति आयोग, पीएमओ, चुनाव आयोग जैसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। चुनाव आयोग तत्काल कठोर एक्शन ले। मार्च 2019 यानी आदर्श संहिता के कहीं बाद महिला हैं आस्था ग्रोवर, सीनियर इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, वाणिज्य मंत्रालय से अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने 130 लोगों के नाम पे ईमेल और सूचना भेजी और उसको मैं कोट कर रहा हूँ आपके सामने अंग्रेजी में, आज के अखबार में भी कोटेड है, पृष्ठ 11 राष्ट्रीय डेली हिंदुस्तान टाइम्स में। प्लीज एलैबोरेट ऑन योर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स फॉर द स्टार्टअप इंडिया विजन डॉक्यूमेंट। दिस हैज टू गो इनटू द इलेक्शन मैनिफेस्टो, अनकोट। आपने मेरे शब्द सुने, मैं आशा करता हूं। सीधा, अब अगर सरकारी अफसर जो आस्था ग्रोवर निश्चित रूप से हैं 100%, सरकार के महकमों जो कि वाणिज्य मंत्रालय उसके महकमे हैं निश्चित 100% से कहती हैं, सहायता मांगती हैं, मांग करती हैं, सूचना मांगती हैं, तथ्य मांगती हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो सीधा